बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेट सोलर। आज के इस छोटे से व्लॉग में हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं। हमारा नाइट्रोक्स बेस्ड सिस्टम लगा हुआ था, हमने इसमें जनरेटर इनपुट दिया हुआ है और इस वक्त जो है जनरेटर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, लोड बाईपास होकर चल रहा है, रात का टाइम है। तो आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि अगर जनरेटर पर नाइट्रोक्स काम कर रहा हो तो किस तरह का लुक आपके सामने आएगा। तो टॉर्च बंद करके आपको स्क्रीन दिखाते हैं। इस वक्त अगर आप देख सकें तो आपके सामने सोलर जनरेशन जीरो है, बैटरी हमारी चार्जिंग स्टेज के ऊपर है, 20 एम्पीयर पे ये बैटरी चार्ज हो रही हैं और ग्रिड इस वक्त अवेलेबल नहीं है। जनरेटर से आप देखें 3.92 किलोवाट जो है वो हमारा जनरेटर से शेयर हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो जब भी इसके लिए जनरेटर आपके पास बड़ा होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर 20 किलोवाट का जनरेटर है जो कि हमने इसके इनपुट पर दिया हुआ है, तकरीबन 3 किलोवाट का इनका रनिंग लोड है और हमने चार्जिंग एम्पीयर कम दिए हुए हैं क्योंकि जनरेटर के आरपीएम जो हैं वो थोड़े से कम हैं। अभी इस वक्त देखें 197 वोल्ट हमें आ रहे हैं जनरेटर से। तो थ्री फेज जनरेटर है इस वक्त, जिस फेज पे हमने ये लोड डाला हुआ है तो उस लोड के हिसाब से तकरीबन 4 किलोवाट जो है वो इस वक्त लोड इस फेज पे चल रहा है। तो जितना अच्छा आपका जनरेटर स्टेबल होगा उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था नाइट्रोक्स 6 किलोवाट का जो कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा हुआ है। आपको दोबारा दिखा देते हैं इन्वर्टर का आउटर लुक। और इसमें अभी हमने हाल ही में ये 8 ट्यूबलर बैटरीज TX1800 ऐड की हैं। इससे पहले यहाँ पे AGS की बैटरीज अटैच थी जो कि 6 महीने के अंदर फारिग हो गई। हमारे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ा, लेकिन अभी हमने इनकी वायरिंग वगैरह इस तरह से मैनेज कर ली है कि जब भी ये जनरेटर वगैरह चलाएँगे तो ऑटो सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही होंगी। तो जनरेटर के RPM थोड़े से कम हैं जिसकी वजह से हमने यहाँ पे 20 एम्पीयर चार्जिंग रखी हुई है। आप 25 एम्पीयर तक भी चार्जिंग जो है ऑन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बैटरीज हैं तो आप इसको 30 एम्पीयर भी चार्जिंग दे सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका रनिंग लोड कितना है और आपका जनरेटर कितना लोड उसके साथ उठा सकता है। तो आपको दोबारा एक व्यू दे देते हैं इसका सारे सिस्टम का। तो इस वक्त ये देखें 3.97 मतलब 4 किलोवाट के अराउंड ये चल रहा है इस वक्त। आज की डेट और टाइम भी आप देख सकते हैं, रात के 11:11 हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त हमारे सिस्टम पे जो है वो सस्टेन है। अगर इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें।